ఈరోజు హైదరాబాద్ వచ్చారు. వారు నేను గత నెల రోజులుగా చాలా సందర్భాల్లో ఫోన్లలో మాట్లాడుతున్నాం, వ్యూస్ అన్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం టెలిఫోన్స్లో. అన్ని సందర్భాలలో నేను వారికి కూడా వివరిస్తున్నాను, నేను బెంగళూరు వెళ్ళినప్పుడు కానీ చెన్నై వెళ్ళినప్పుడు కానీ కోల్కతా మమతా బెనర్జీ గారిని కలిసినప్పుడు కానీ టైం టు టైం I was informing Mr. Akhilesh Yadav that how we are forging ahead. Today he has come down to Hyderabad. We had a detailed discussion on how to forge ahead, how to carry forward the whole mission. I have been trying my best to bringing in a qualitative change in the Indian political process, also in the process of governance, because 7 decades have gone. People's desires, people's aspirations are not fulfilled as they were supposed to be. Of course, we are considered to be a growing economy, but it's not in the desired lines. लोगों के जो अपेक्षाएं थी उस प्रकार का कार्यक्रम जो होना चाहिए था वो काम हिंदुस्तान में नहीं हुआ. 70 साल 71 साल बीत गए. जनता काफ़ी निराश है, किसी भी सेक्शन इस देश में संतुष्ट नहीं है. न किसान संतुष्ट है, न गरीब संतुष्ट है, न दलित संतुष्ट है, न माइनॉरिटीज अपना सिक्योर फील करते हैं. कई कई समस्याएं, कई तरीके के हमें आज सता रहे हैं. इसीलिए एक नया विकल्प का ज़रूरत है देश में, एक परिवर्तन का ज़रूरत है. इस परिवर्तन को लाने के दिशा में प्रयास हम लोग कर रहे हैं. आज उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी और समाज पार्टी के अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश जी हैदराबाद आए हैं. हमारे बीच बहुत ही विस्तार रूप से बातचीत हुआ है. हर चीज़ को, हर पहलू को हमने समझने की कोशिश की और हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे. ये आज के आज ये कोई 3rd front 4th front 5th front ऐसा नहीं है. पत्रकारों से मेरे निवेदन है कि इसी को कोई फ्रंट वंट का नाम ना दे. मैं पहले से कहते जा रहा हूँ कि ये कोई सियासी पार्टियों का, राजनीतिक पार्टियों का कोई मंच नहीं है. ये तो भारत के किसान को, भारत के जनता को, सारी चीज़ों को जोड़ने का, एक नया क्रांति के तरफ, एक नया दिशा के तरफ कदम उठाने का एक बहुत ही बड़ा प्रयास है. ये कोई छोटा मोटा प्रयास नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नहीं है. जो परिवर्तन हम चाहते हैं, देश का जितना आर्थिक विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है. द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री नीड्स टू बी लिवरेज्ड इन ए वेरी ग्रेट मैनर. द नाइबर कंट्री चाइना हैज ग्रेटली डन इट, प्रूव्ड बिफोर द वर्ल्ड. They were less in all the aspects than India 2.5-3 decades back. Now they are the 2nd largest economy of the world. So when they can do it, why not our country, why not India? When the East Asian tigers can do it, when Malaysia can do it, when Sri Lanka, when Singapore can do it without having anything, when Koreas are doing, so why not India? We have all the capacity. We have 60% of the youth in the country, so we have to grow in a different manner. जो आज तक हो रहा था वो अच्छा नहीं हो रहा था. इसीलिए जो नया होना है, जो नया हमको पाना है, उसके लिए हमारा कोशिश जारी है. मैं भरपूर धन्यवाद देता हूँ अखिलेश जी को. जो भी मेरा विचार है उन्होंने पूरा उसका समर्थन किया है. He said he will stand by this idea, this ideology. I am very thankful to him. Now I request Akhilesh ji. तेलंगाना के मुख्यमंत्री आदरणीय चंद्रशेखर राव जी का मैं धन्यवाद देता हूं. लगातार कई बार बातचीत हुई है, फोन के माध्यम से भी, और ये प्रयास रहा कि एक बार साथ बैठ जाएं. मुझे अच्छा लगा कि दिल्ली की वजह हैदराबाद और आपके बीच में बैठने का मौका मिला. क्योंकि पूर्व में आपने बहुत सारी बातें विस्तार में रखी हैं, कहा भी है कि कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। मुझे खुशी है इस बात की कि आपके नेतृत्व में तेलंगाना प्रदेश जहां आगे बढ़ रहा है, नई योजनाओं से किसान गरीब उसके बीच में पहुंचने का काम कर रही है योजनाएं, और वह कहीं ना कहीं अपने काम से जनता का भरोसा जीता है। एक मुख्यमंत्री के लिए और एक लीडर के लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि जनता का उस पर भरोसा हो, और मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ के मुख्यमंत्री ने अपने काम से जनता के बीच में एक भरोसा पैदा किया है। और चाहे वो पानी घरों तक पहुंचाने की बात हो, आज पानी का सबसे बड़ा सवाल है, न केवल हमारे देश में, दुनिया में ये सवाल बड़ा। ये राजनीतिक दलों का जो गठबंधन चल रहा है, ये कुछ मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के आधार से होता या उसके चुनाव के आधार से हो रहा है? राहुल जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, उन्होंने भी साफ बताया, मैंने भी साफ बताया, आपका सवाल का कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। हमने बार बार ये साफ कह रहे हैं, ये शुरुआत है। वी मेड ए बिगिनिंग, वी आर डिस्कसिंग, वाई यू पीपल आर इन ए हरी, वाई आर यू आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चंस लाइक आपके व्यक्तिगत दोस्ती फैलाने से थी, डिमका से थी, ये क्या चाहिए? इस देश में एक परिवर्तन लाने के लिए, एक अच्छी परिवर्तन लाने के लिए, क्वालिटेटिव चेंज लाने का एक अच्छा प्रयास हो रहा है। पत्रकार मित्रों से मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, इसमें राजनीति कम देखिए, देश का परिवर्तन, देश का सौभाग्य का ज्यादा देखिए। इट इज ए बिगिनिंग ऑफ आवर डिस्कशंस। उन्होंने साफ कहा, मैंने भी साफ कहा, पूर्व सरकारों ने फेल्यूर हो गए, जो लोगों की अपेक्षाएं थे वो उसमें हमने कोई घुमा फिरा के थोड़ी बोल रहे। पूर्व सरकार किसने चलाया सारे जानते, इसमें फिर बार बार चेक करने क्या जरूरत है? वी आर वेरी क्लियर इन अवर माइंड। हाँ बिल्कुल वही है, और क्या है? नहीं, सरकारें चलाए तो वही चलाए ना भाई। वैसे कर्नाटक में जाना चाहूं तो यहाँ से बहुत करीब है, लेकिन मैं लखनऊ जा रहा हूँ अभी। लखनऊ और हैदराबाद का दोनों का एक सा व्यवहार है। देखिए, एक एक जगह एक एक चीज होता है, एक एक जगह एक एक गठबंधन होता है। आज के हालात में जहाँ जिनको जो सहूलतमंद है उस मुताबिक लोग चल रहे हैं, चल पड़े भी है, चल रहे हैं। हमारा जो प्रयास है, मैं आपसे कहा, ये कोई 219 के चुनाव के लिए नहीं है एकदम, और वहीं तक सीमित भी नहीं है। एक क्वालिटेटिव चेंज, एक महत्वपूर्ण गुणात्मक बदलाव अगर आप चाहते हो तो इसका कोई सीमा नहीं होता, कोई चुनाव का सीमा नहीं होता इसका। ये प्रयास तो काफी जारी रहेगा, इसलिए हम कह रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम साफ कह रहे हैं, unless there is a qualitative change in this country, unless there is a quantum jump of things, unless you make some structural changes, you cannot change the routine which has happening for the last 70 years. I request all the journalist members, journalist friends, my earnest appeal to you, please make it only as political game kind of thing. It's not mere political game. I have been repeatedly requesting you. This proposal is for a very, very qualitative change in the process of politics, in the process of governance. We have to develop. This country needs to develop. We are a large polity, 130 crores. We cannot play with the lives of the future generations of India. We have to take a quantum jump. जैसा अखिलेश जी ने कहा है, हमारे युवा जाके सिलिकॉन वैली पूरा भर देता है, सारे देशों में हमारे विज्ञानी है। तो इसीलिए इन चीजों को यहाँ करने के लिए, इस देश को एक नया दिशा देने का जो प्रयास हो रहा है, हाँ डेफिनेटली, जैसा भाई साहब ने पूछा वहां से, इसके लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है, पक्का होना चाहिए। अभी हमने शुरू हो पड़ा है, हमारा जर्नी अभी शुरू हुआ है। सो हम कहाँ पहुंचेंगे, क्या पहुंचेंगे आगे चल के, अभी बात काफी कुछ होने है। कई अन्य मित्र जिनके बारे में अब नहीं बता रहे आपको। अब अखिलेश जी से मेरा एक महीना सवा महीना से लगातार हम लोग फोन पे चर्चा करते रहे, आज मिले, आज विस्तार रूप से बात हुई। और कुछ अन्य मित्र हैं जिनसे भी मेरा बात हुआ है, वो लोग भी कह रहे हैं मिल के बात करते हैं। अब मैं कुछ दिनों में मैं दिल्ली जाऊंगा, वहाँ कुछ मित्रों से मिलूंगा, कुछ अन्य दल है उनसे भी मिलूंगा। ये जो कोशिश किया जा रहा है, बहुत ही लोगों को जोड़ना पड़ेगा हमारे साथ। ये एक दो पार्टी या एक दो लोगों से होने वाली बात नहीं है, कई लोगों का और जोड़ना पड़ेगा। फिर सभी जब मिलेंगे, एक सहमत होगा, जरूर एक मंच होगा जिसमें एक कंसेंसस होगा, जिसमें एक एजेंडा होगा, उसके तहत उसको लेके एक कट्टर पॉलिटिकल विल के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। जो कि देश में कोई तब्दीली लाना है, कोई बदलाव लाना है तो राजनीति ला सकता है, इसमें कोई क्या शक है, इसमें कोई शक है ही नहीं। तो हम एक बात साफ जनता के सामने, देश के जनता के सामने ये बात साफ से रख रहे कि पूर्व सरकारें जनता के अपेक्षाएं पूरे करने में सफल नहीं हुए, बल्कि विफल हुए। लोग निराश है, इसीलिए निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। कई नेता ऐसे हैं, कई दल ऐसे हैं कि वो जुट करके, एकजुट करके इस देश में परिवर्तन के दिशा लेके आगे बढ़ रहे हैं। निराश ना होइए, जल्द से जल्द, यानी कि मेरे ख्याल से कोई एक डेढ़ दो महीने के अंदर पूरी एजेंडा के साथ हम देश के सामने आएंगे। जो लोग हमसे जुड़ेंगे, जो ताकतें हमसे जुड़ेंगे, सबको साथ लेकर हमको चलना पड़ेंगे, क्योंकि इतना बड़ा देश के लिए एक एजेंडा प्रिपेयर करना एक आदमी एक दल नहीं कर सकते, एक कंसेंसस बनाना पड़ता है। तो दिस इज ए जस्ट बिगिनिंग, इट्स ए गुड बिगिनिंग, हेल्दी बिगिनिंग। इतने कम समय में इतने लोग मिल पा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इसमें डोंट ट्राई टू ब्रिंग आउट प्रिंट पिक्सेस, कौन किसके साथ है, क्या साथ है। वी विल फिक्स अप एन एजेंडा, उस एजेंडा के साथ हमारे साथ जो आए वो जुड़ जाएगा, जो हमारे साथ आएगा वो जुड़ जाएगा। वो इसका नाम ना ले, उसका नाम का कोई जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली द ड्राइविंग फोर्स ऑफ आवर अलायंस विल बी द एजेंडा विच वी आर गोइंग टू प्रपोज, विच इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन। उसके साथ कोई भी जुड़ सकता है। वी डोंट डिक्लेयर एज एनीबडी इज अनटचेबल। वी विल कीप आवर ऑप्शंस ओपन, सो वी आर विथ एन ओपन माइंड फॉर द ऑल। दिस इज बीइंग डन to achieve the political aim, not mere the political aim. कोई किसी को प्रधानमंत्री बना दे, हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य में शुद्धि है, हमारे लक्ष्य में देश को बढ़ोतरी मिले, देश को बड़प्पन मिले, देश आगे बढ़े। अब तक जो होता रहा वो बंद हो जाए और एक प्रोग्रेसिव तरीके से देश आगे बढ़े, ये प्रयास है। इस चीज को आप समझे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।